तो वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस आज की इस अमेजिंग वीडियो में मैं आप लोगों को ऐसे 3 गैजेट्स दिखाने वाला हूँ जो काफ़ी यूजफुल और काफ़ी अमेजिंग होने वाले हैं। बेसिकली आप लोग देख सकते हो मेरे पास यहाँ पे लाइफ सेविंग प्रोडक्ट्स हैं। आप लोगों को भी इसके अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग सब कुछ दिखाने वाला हूँ। पूरी चीज़ बताऊँगा कि आप लोगों को ये बाय करने चाहिए या नहीं बाय करने चाहिए। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को गाइस यहीं पे स्टार्ट करते हैं। और आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को साथ सब्सक्राइब भी कर सकते हो और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी ऐसी अमेजिंग वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले आ जाएंगी। तो बिना किसी देर के इस वीडियो को गाइस यहीं पे स्टार्ट करते हैं। गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ पे सामने रखे हुए हैं 3 अमेजिंग गैजेट्स जिनकी अनबॉक्सिंग और टेस्टिंग आज की इस वीडियो में आप लोगों को देखने के लिए मिलने वाली है। तो सबसे पहले अपने इस वाले प्रोडक्ट से स्टार्ट करते हैं। यह है बेसिकली अपना मल्टी फंक्शन ब्रश। इसको आप अपने लैपटॉप क्लीनिंग के लिए, फ़ोन क्लीनिंग के लिए यूज़ कर सकते हो। तो अभी इसकी आपको फुल अनबॉक्सिंग टेस्टिंग दिखाता हूँ, देन आप लोगों को यहाँ पे नेक्स्ट प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस अभी आप लोगों को ये बाहर से देख के तो समझ नहीं आ रहा होगा कि कैसे मल्टी फंक्शन है, बट जब ये इसको मैं अनबॉक्स करूँगा और आप लोगों को दिखाऊंगा कि कैसे वर्क करता है तो काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट आप लोग बने वाला है ज़रूर। तो अगर आप लोगों को बाय करना है तो डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को लिंक मिल जाएगा। इसके प्राइस स्क्रीन पर आ रहे होंगे, स्पेसिफिकेशन तो क्या आएगा इसके मैं दिखाऊंगा आपको अभी टेस्टिंग करके ही। तो सबसे पहले इसको अनबॉक्स कर लेते हैं। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो बेसिकली हमारे पास कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट सामने आ चुका है। नीचे आप लोगों को इसके ब्रशेस मिल जाएंगे जो काफ़ी अमेजिंग देखने के लिए मिल जाते हैं, क्वालिटी इनकी काफ़ी अमेजिंग है। तो अभी इसको मैं आपको पूरा टेस्टिंग करके दिखाता हूँ कि किस तरीके से आप लोग इससे मल्टी वर्क कर सकते हो। सबसे पहले आप लोगों को गाइस इसके अंदर ये चीज़ अजीब लग रही होगी कि ये क्या है, तो इसको सबसे पहले यहाँ से आप लोग इसको इस तरीके से निकाल सकते हो। ये यहाँ पर निकलने के बाद ये गाइस आपकी आ जाती है की पिकर। बेसिकली जो अपने लैपटॉप की कीज़ होती हैं उनको इस तरीके से आप लोग इससे पिक करके निकाल सकते हो क्लीनिंग के लिए। तो ये भी मैं आपको करके दिखाऊंगा। अभी जैसे कि एक फंक्शन तो इसका ये हो गया और एक आप लोग इसके ब्रश यूज़ कर सकते हो अपने कीबोर्ड को यहाँ पे क्लीन करने के लिए या फिर अपने लैपटॉप को, किसी भी चीज़ को। तो यहाँ से 2 फंक्शन तो इसके हो गए। देन आप लोगों ने अगर कोई अपनी डायरी मतलब कोई पेज पे आपने अपनी कोई ज़रूरी ईमेल आईडी या कुछ पासवर्ड लिख रखा है तो वो आप लोग यहाँ पे स्टोर कर सकते हो इसके अंदर। आप लोग कुछ इस तरीके से बंद हो जाएगा, आप लोग देख ही सकते हो, और इसके अंदर आप लोग उसको स्टोर कर सकते हो। तो पूरा अच्छे से बंद हो चुका है। अभी आप लोग देख सकते हो जैसे कि यहाँ पे इसका आप लोग इस तरीके से रिमूव हो जाता है और यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं। तो ये आपका एक पेन आ चुका है। बेसिकली पेन किस तरीके है वो मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको आप लोग कुछ इस तरीके से ओपन करोगे यहाँ से तो ये गाइस और भी ओपन होगा, बट मैं आपको पहले इतना ही समझाता हूँ। जैसे कि आप लोग देख सकते हो सबसे ऊपर आप लोगों को इसका शार्प एज मिल जाता है, जिससे कि आप लोग जितने भी आपके डस्ट पार्टिकल होते हैं स्पीकर्स के अंदर या फिर अपने ग्रिल जो होती हैं लैपटॉप के ग्रिल्स उसके अंदर, तो उसको आप इससे बहुत इजीली क्लीन कर सकते हो। देन आप लोगों को यहाँ पे एक ब्रश मिल जाता है, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और इसके बाद आप लोग इसको कुछ इस तरीके से यहाँ से ओपन करोगे तो उसके अंदर आप लोगों को एक चीज़ और देखने के लिए मिल जाती है। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो जब इसको आप लोग यहाँ से ओपन करोगे तो यहाँ पे आप लोगों को एक फॉर्म का यहाँ पे मिल जाता है ब्रश, जिसको आप किस चीज़ के लिए यूज़ करोगे। यहाँ पे आप लोग इसके जो स्पीकर्स होते हैं या जो चार्जिंग पोर्ट्स होते हैं वहाँ से डस्ट को रिमूव करने के लिए इसको यूज़ कर सकते हो, करके दिखाता हूँ। तो गाइस जैसे कि आप लोग देख सकते हो अभी मैंने अपना लैपटॉप है वो सामने रखा हुआ है, तो इसके मल्टी फंक्शंस में आप लोगों को यूज़ करके दिखा देता हूँ। बेसिकली जो अपना की पिकर है वो तो अपने कीबोर्ड्स के लिए हो जाता है, क्योंकि इसमें अब मैं इसकी की को क्यों निकालूंगा, मतलब यहाँ से निकलेगी नहीं। पहली बात तो कि जो कीबोर्ड होते हैं उसकी की को यहाँ से पिक कर सकते हो आप इसकी मदद से। तो जब आप की को पिक करोगे उसके बाद आप लोग इसके ब्रश की हेल्प से कुछ इस तरीके से इसको क्लीन कर सकते हो, जैसे कि आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप लोग इसको बहुत ईजी क्लीन कर सकते हो। तो इसके 2 फंक्शन तो यहाँ पे मैंने आपको दिखा दिए। देन आप लोग देख सकते हो यहाँ से आप इसको फ़ोन के लिए भी यूज़ कर सकते हो, अपने कीबोर्ड के लिए भी या फिर अपने पीसी के लिए भी। तो यहाँ से जो अपने पार्टिकल्स होते हैं जैसे कि शार्प एज हो गए, जैसे यहाँ पे आप लोगों को ये मिल जाते हैं पोर्ट्स, इनके अंदर इससे आपको क्लीन कर सकते हो बहुत ईजिली और सारी डस्ट को रिमूव कर देगा। और इसके मल्टी फंक्शन मैंने आप लोगों को दिखाई दिए इस वीडियो में। तो बिना किसी देर के अपने सेकंड प्रोडक्ट की तरफ चलते हैं। तो गाइस जो अपना सेकंड गैजेट है आज की इस वीडियो का वो आप लोग देख सकते हो, वो है मल्टी फंक्शन यूएसबी चार्जिंग फ्लैशलाइट। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो काफ़ी अमेजिंग फ्लैशलाइट हमको देखने के लिए मिल जाती है। इसके अंदर आप लोगों को कॉब लाइट भी मिल जाती है, देन आप लोगों को स्विच चार्जिंग पोर्ट मिल जाते हैं और यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर मिल जाता है। तो अभी इसकी पूरी अनबॉक्सिंग आप लोगों को दिखाऊंगा, बट उससे पहले इसकी स्पेसिफिकेशन यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि गाइस आप लोग देख सकते हो यहाँ पर इसके अंदर आप लोगों को फास्ट चार्जिंग 5 वोल्ट का सपोर्ट मिल जाता है। देन यहाँ पे आप लोगों को ये लो एंड हाई का ब्राइटनेस का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पे जो आपकी लिथियम बैटरी यूज़ करी गई है जो काफ़ी अमेजिंग तरीके से ये चार्ज हो जाती है। उसके बाद यहाँ पे इसका जो चार्जिंग इनपुट है मतलब कि जब आप इसको चार्ज करोगे तो इलेक्ट्रिसिटी को कम से कम लेगा। देन आप लोग यहाँ पे हाई ब्राइटनेस इसके अंदर कर सकते हो। इसके अंदर अलग अलग तरीके के मोड्स मिल जाते हैं, सबकी टेस्टिंग आज की इस वीडियो में करके दिखाने वाला हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको ओपन कर लेते हैं यहाँ से, आप लोग देख सकते हो गाइस बॉक्स के अंदर बस आप लोगों को ये मिल जाता है। तो ये अपनी यहाँ पे मल्टी फंक्शन लाइट आ चुकी है अपने सामने।
देन आप लोगों को इसके अंदर एक यूएसबी बी टाइप का यहाँ पे केबल मिल जाती है इसको चार्ज करने के लिए। तो बेसिकली आप लोग इसको यहाँ से कुछ इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। यूज़ करने के लिए आप लोगों को ये बटन मिल जाता है, यहाँ पे इंडिकेटर मिल जाता है कि इसके अंदर कितनी चार्जिंग है वो आप लोग यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे आपको एक कॉब लाइट मिल जाती है, कॉब लाइट मतलब कि, और यहाँ पे आप लोगों को इसका चार्जिंग का पोर्ट मिल जाता है बी टाइप। तो इसको यहाँ से इस तरीके से बंद कर सकते हो। अभी मैंने इसको गाइस थोड़ा बहुत चार्ज कर लिया आप लोगों को टेस्टिंग कराने के लिए। तो बेसिकली इसको यहाँ से ऑन करता हूँ, देन देखते हैं कि इसका फोकस कितना अच्छा है और इसके अंदर लाइट कितनी अच्छी आती है। तो ये इमरजेंसी यूज़ के लिए आप लोग यूज़ कर सकते हो। इसके अंदर आप लोगों को 3 से 4 मोड मिल जाते हैं, आप लोगों को चला के दिखा देता हूँ। यहाँ पे ये प्रोडक्ट मेरे को काफ़ी अमेजिंग लगा और ये आप लोग ज़रूर बाय कर सकते हो। अगर आप लोग कहीं पे ट्रैवल पे जा रहे हो तो ये आपके बहुत यूज़फुल आपके लिए होने वाला है। तो गाइस अभी बेसिकली हम अपने थर्ड गैजेट की तरफ आ चुके हैं। ये सबसे अमेजिंग और सबसे वर्स्ट प्रोडक्ट आज की इस वीडियो का होने वाला है। बेसिकली यहाँ पे अगर आप लोगों को अभी तक वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है तो वीडियो को जरूर लाइक करना, और अभी मैं आप लोगों को इसकी अनबॉक्सिंग करके दिखाता हूँ कि ये क्या प्रोडक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिल जाता है। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हो, यहाँ से आप लोग इसको ओपन कर सकते हो। तो गाइस अभी तक तो आप लोगों को समझ आया नहीं होगा कि इसके अंदर क्या है। ये आप लोगों को इसके यूज़र मैनुअल मिल जाती है, इंस्ट्रक्शंस मिल जाती हैं, इसको आप लोग जरूर रीड कर लेना अगर आप लोग इसको ऑर्डर करते हो। आप लोग देख सकते हो मैंने इसको इंस्टाग्राम की रील से देख के मंगाया था, मेरे को लगा कि काफ़ी अमेजिंग प्रोडक्ट होने वाला है, बट गाइस मेरे प्रोडक्ट में तो कुछ ना कुछ डिफेक्ट है इसके अंदर, ये वर्क नहीं कर रहा था। मैंने पहले करके देखा था ना, तो अभी मैं आप लोगों को देखने दिखा देता हूँ कि किस तरीके से ये प्रोडक्ट क्या है। ये बेसिकली आप लोगों को मिल जाता है एक मिनी बैग सीलर, जिसमें आपको मल्टी फंक्शन मिलता है। यहाँ से आप लोग अपने बैग को कुछ इस तरीके से कट कर सकते हो, इससे प्रेस करोगे तो ऐसे करोगे तो कट हो जाएगा, और यहाँ से आप लोग उस प्रेस करने के बाद ये बैग सील हो जाएगा, इस तरीके से हट जाएगा। अभी आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को डबल ए बैटरी यूज़ करनी है। यहाँ पे आप लोगों को डबल ए बैटरी इंसर्ट करनी है इसके अंदर, ये कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है, और यहाँ से आप लोगों को इसके अंदर 2 डबल बैटरी इंसर्ट करनी है। इंसर्ट कर देता हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। तो गाइस यहाँ पे आप लोगों को मैं इसके फंक्शन समझा देता हूँ। तो जहाँ पे गाइस आप लोगों को प्लस का साइन मिलता है, अगर आप लोग इसको ऐसे प्रेस करते हो तो ये आप लोगों का बैग सील करेगा। और गाइस आप लोग देख सकते हो जब यहाँ पे माइनस का साइन है उस पर जब आप प्रेस करोगे तो यहाँ पे ये आप लोगों का बैग को इजीली ओपन कर देगा, या फिर आप लोग किसी इससे कुछ भी चीज़ ओपन कर सकते हो। जैसे कि आप लोग देख सकते हो मैं पेपर ले रहा हूँ, इसको मैं फोल्ड कर लेता हूँ 2-3 बार और देखते हैं कि ये ओपन कर पाता है इसको या नहीं कर पाता, मतलब कट कर पाएगा नहीं कर पाएगा बेसिकली। तो आप लोग देख सकते हो इसके अंदर आप लोगों को ऐसे इंसर्ट करना है इसको, और जब आप इसको प्रेस करोगे टाइट प्रेस करना है और इसको इस तरीके से यहाँ पे करना है। तो गाइज आप लोग देख सकते हो इसने काफ़ी अच्छे तरीके से इसको कट तो कर दिया है, बाकी ये सील नहीं कर पा रहा है। इसमें बेसिकली यही मेन मेरी प्रॉब्लम हो रही है इसके अंदर। यहाँ पे ये जब मैं इसको प्रेस कर रहा हूँ, मैंने काफ़ी वीडियोस भी देख ली यूट्यूब पे अलग अलग तरीके के कैसे वर्क करेगा, बट गाइज ये प्रोडक्ट मेरा वर्क ही नहीं कर रहा। आप लोग देख सकते हो मैं पेपर पे करके दिखा रहा हूँ, मेरे को पता है गाइज ये पॉलीथीन सील करता है, बट यहाँ पे गाइज ये कर ही नहीं रहा। जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये यहाँ पे कहीं भी सील नहीं हुआ। और आपको बाय करना है तो आप लोग बाय करके देख लेना अमेजोन से। तो गाइस जैसे कि आज के इस वीडियो में मैंने आप लोगों को ये 3 अमेजिंग प्रोडक्ट्स की अनबॉक्सिंग दिखा दी है, और आप लोगों को बताया है टेस्ट करके कि ये प्रैक्टिकल यूज़ कर सकते हो आप इनका या नहीं कर सकते। तो जैसे कि हमारा जो मिनी सीलर बैग है वो वहाँ पे वर्क नहीं कर रहा था, तो मैंने यहाँ पे जहाँ से ऑर्डर करा था मैंने वहाँ पे रिव्यूज़ देखे, तो वहाँ पे भी काफ़ी ज़्यादा लोगों की प्रॉब्लम थी, वहाँ पे वो वर्क नहीं कर रहा था। तो मेरा तो सजेशन ये है कि आप लोग उसको बाय नहीं करो। और यहाँ पे जो अपना मल्टी सेविंग ब्रश था और उसके साथ साथ एक लाइट थी जो अपनी मल्टी फंक्शन थी, तो आप लोग उनको बाय कर सकते हो, क्योंकि वो काफ़ी अमेजिंग थे, कॉम्पैक्ट साइज़ के थे, और बाकी आप लोगों की चॉइस है। मैं आप लोगों को 3 प्रोडक्ट्स के लिंक अमेजोन से जो मैंने बाय करे हैं उनका डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप लोग वहां से जाके इनको बाय कर सकते हो। तो बिना किसी तरीके गाइस इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को जरूर लाइक करना, चैनल को साथ के सब्सक्राइब कर सकते हो और बेल आइकन को प्रेस कर देना, जिससे कि मेरी हर एक न्यू वीडियो आप लोगों के पास सबसे पहले आ जाएगी। तो बिना किसी तरीके इस वीडियो को गाइस यहीं पे एंड करते हैं।